Now let's start the revision of class 10 polity chapter number 1 power sharing. First tell me, there is a word called ethnic. What does it mean? Ethnic ka matlab kya hota hai? Sir, can you repeat the word? Ethnic ka matlab kya hota hai? Okay. Ethnic refers to different groups or which believe that they are from a single ancestor of by culture and language basis. Exactly. Ethnic means ek social division hota hai. Wo jo social division either wo culture ke upar depend karta hai ya phir कॉमन डिस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है. ओके, कल्चर का तुम्हें पता है, कॉमन डिस्टेंट का मतलब उनके फोर फादर्स एक थे. समझ में आ गया? जैसे कि हमारा एक एथनिक ग्रुप है, लेट्स से हजारा. ओके, तो ये सारे ग्रुप के मेंबर मानते हैं कि उनके जो फोर फादर्स थे वो एक ही ओरिजिन के हैं. समझ में आ गया? Yes, sir. चलो, now next there is a word called majoritarianism. Sir, what majoritarianism means a government on the majority party. Majority party. Okay. So majoritarianism refers to the belief that in a country the majority should be ruling the country without any permission or any support from the minority, and in exactly. whichever way they want. Exactly. So majoritarianism का मतलब ये होता है कि जो majority community है, let us suppose India. तो India में majority कौन है? Hindus. तो ये जो belief कि हिंदू को ही रूल करना चाहिए, बाकी का कोई भी से नहीं होना चाहिए. चाहे क्रिश्चियंस हो, सिख्स हो, मुस्लिम्स हो, उनका कोई भी से नहीं होना चाहिए. इसी को बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म. इन द सेम वे अगर पाकिस्तान में ये बोला जाए कि जो मुस्लिम्स बोलेंगे वही होगा, बाकी जो हिंदूज हैं, बुद्धिस्ट हैं, सिख्स हैं, उनके बात नहीं सुना जाएगा, तो उसको भी क्या बोलेंगे? मेजोरिटेरियनिज्म. वो मेजरिटी चाहे रिलीजन के बेसिस पे हो, चाहे लैंग्वेज के बेसिस पे हो, चाहे एथनिसिटी के बेसिस पे हो, जो मेजरिटी है उसी की बात सुनना या फिर उसी के हिसाब से, उन्हीं के हिसाब से काम करना को बोलते हैं मेजरिटेरियनिज्म. ओके, नाउ लेट्स कम टू द आइलैंड कंट्री ऑफ श्रीलंका. नाउ श्रीलंका के बारे में हमें क्या पता है? ये जो है कंट्री श्रीलंका, ओके, यहाँ पर कौन कौन से मेजर सोशल ग्रुप्स हैं बता? मेजर सोशल ग्रुप्स, व्हाट आर द मेजर सोशल ग्रुप्स इन श्रीलंका? सर सिंघला पीपल, एक होता है इंडियन तमिल्स एंड श्रीलंकन तमिल्स. ओके, नाउ लिसन, एक होता है श्रीलंकन तमिल, दूसरा होता है इंडियन तमिल, और तीसरा होता है सिंहली. ओके, तो सिंहला स्पीकिंग जो पीपल हैं वो सबसे ज्यादा है, कितना? लगभग 7% पीपल आर 74%. ओके, तो श्रीलंकन तमिल कितने हैं? लगभग 13% एंड इंडियन तमिल हैं लगभग 5%. ओके, चलो अब हम ये बात करेंगे कि ये जो सिंघला सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया. सिंघला सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया?
बताओ कहाँ शुरू हुआ ये, कहाँ से? हाँ क्या? The due to the variation population, the Sri Lankan government is Sri Lanka decided to go for majoritarianism, and Sinhala speaking people formed the government and ruled the country. They started okay, imposing various types now, of. Listen. श्रीलंका को पहले आजादी कब मिला? श्रीलंका को आजादी मिला 1948 में, किससे? ब्रिटिशर्स से. ओके, उसके बाद डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आया. तो तुम्हें पता है डेमोक्रेसी में एक फ्लॉ है, जो वो ये है कि नेता लोग पॉलिटिक्स में जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. ओके, तो जब बार बार इलेक्शंस आया तो वहाँ पे कुछ पॉलिटिशियंस मेजोरिटेरियनिज्म को सपोर्ट करना शुरू कर दिया. ओके, तो उन्होंने सिंघलाज को सपोर्ट किया उनके वोट के लिए, राइट? तो 1956 में एक एक्ट पास हुआ, एंड इसी एक्ट के हिसाब से जो सिंघला लैंग्वेज था उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया. ओके, सिंघला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया कब? 1956 में. ओके, एंड जब गवर्नमेंट जॉब्स की बात आई तो वहां पे सिंघला प्रेफरेंशियल रूल्स, सिंघला स्पीकिंग एप्लीकेंट्स को ज्यादा तवज्जो दिया गया, उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया गया. एंड जब यूनिवर्सिटी के वैकेंट पोजीशंस आए या फिर और भी कई इंस्टीट्यूशंस में पोस्ट आए, तो वहां पर भी जो नॉन सिंघला पीपल है उनको इग्नोर किया गया. ओके, एंड उसके बाद जब वहां पे रिलीजन था बुद्धिज्म, तो उसको स्टेट रिलीजन का मान्यता मिला. एंड कैसे बुद्धिज्म वहां पे फ्लोरिस करेगा इसका प्रावधान भी किया गया. ओके, तो ये सबसे हमें ये पता चलता है कि धीरे 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 वहां पर एक सख्त मेजोरिटेरियनिज्म का एग्जाम्पल सेट हो गया. ओके, उसके बाद जो श्रीलंकन तमिल थे उन्होंने ये फील किया कि मेजर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि बुद्धिस्ट सिंहला लीडर वहाँ पर उनको लीड कर रहे हैं, तो वो उनके डिमांड के प्रति ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, इसलिए यस उनको अलग थलग किया गया. उन्होंने फील किया गया, उनको सच में अलग थलग किया गया. ओके, तो उन्होंने क्या किया, अपने हिसाब से मैटर को डील किया, एंड उन्होंने चाहा एक सेपरेट इलम. इलम का मतलब राज्य. उन्होंने एक सेपरेट तमिल इलम का डिमांड किया कि हम श्रीलंका से अलग हो जाएंगे, खुद का देश बनाएंगे जहां पर हमारा से रहेगा. ओके, तो इसकी वजह से क्या हुआ, श्रीलंका में सिविल वार शुरू हो गया, गृह युद्ध. ओके, तो उसके बाद क्या है तुम बताइए, आगे समझ लो. सर उसका सर डेट में सर डाउट है सर, सिविल वॉर का डेट. ये क्या सिविल वॉर एक दिन में शुरू हो जाता है? ये ट्रांजिशनल नो सर, स्टार्ट क्या, ये कोई सिविल वॉर कैसे स्टार्ट होता है? एक दिन थोड़ी ना होता है, ये एक चेन ऑफ इवेंट्स होता है, धीरे 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 धीरे. वॉर एग्जैक्टली कहाँ पे खत्म हुआ, कहाँ पे एंड हुआ, सिविल वॉर ये थोड़ी ना कोई डिमार्केशन होता है. अच्छा, आप चलेंगे, एक और स्टेट था, कौन सा वाला, एक और कंट्री था? बेल्जियम. बेल्जियम. ओके, तो हम चलेंगे बेल्जियम के पास, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, राइट? यस सर. अच्छा, तो बेल्जियम, बेल्जियम में इशू क्या था? In Belgium, there were three ethnic groups. First, the Dutch speaking, French speaking, and German speaking. Can you see Belgium on the map? Yes. Belgium दिख रहा है? No, sir. White, white हो गया कुछ दिख. White color थोड़ा सा आ गया. यस सर, दिखाई दे.
बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल्स। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अच्छा, यूरोप में बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज हैं, तो उनमें से बेल्जियम भी एक छोटा सा कंट्री है। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या था? अच्छा, कंट्री का जो टोटल पॉपुलेशन था उसका 59% कहाँ पे रहता था? बट स्पीकिंग लिविंग इन द फ्लेमिश रीजन में। फ्लेमिश रीजन में जो रहते थे 59% वो क्या बोलते थे? डच। डच, ओके, क्योंकि नेदरलैंड का यहाँ पे प्रभाव है एक तरीके से, तो वो डच स्पीकिंग थे। आना तब जो 40% था वो रहता था कहाँ पे? वालोनिया रीजन। वालोनिया रीजन, ओके। तो ये जो 40% रहता था वालोनिया रीजन में, उनका लैंग्वेज था फ्रेंच। फ्रेंच, तो जाहिर सी बात है ज्यादा कौन है? ज्यादा डच स्पीकिंग है। मगर ट्रिक एक और ही है, वहां पर जो बेल्जियम का कैपिटल है कौन सा वाला? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में ज्यादा कौन है? फ्रेंच स्पीकिंग पीपल सर। फ्रेंच 80% एंड डॉच स्पीकिंग 20%। ओके, क्या हालत ऐसा नहीं है कि श्रीलंका जैसे सिविल वॉर हो जाए? बिल्कुल है, हालत बहुत ही गंभीर है। मगर बेल्जियम वालों ने एक गजब का तरीका निकाला, अनलाइक श्रीलंका। तो उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को स्पेशली डिजाइन किया। कॉन्स्टिट्यूशन बेल्जियम का ये बोलता है, हालांकि एक बार में नहीं हुआ, 1970 से 1993 के बीच में उनको कई बार, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 4 बार उनका संविधान को उन्होंने संशोधन किया। ओके, तो संविधान संशोधन के बाद उनका क्या प्रावधान रहा? उनका ये प्रावधान रहा कि सारे जो कैबिनेट पोस्ट हैं, सारे जो मिनिस्टरियल पोस्ट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये इक्वल रहेंगे। क्या मतलब इक्वल रहेंगे? Sir, equal seats will be for French speaking and Dutch speaking people. जितना French वाला उतना ही Dutch वाला। Dutch वाला। आगे समझ गए? तो yes, French वाले जितना Dutch वाले ही उतना। ना? तो जाहिर सी बात है अगर दोनों सेम सेम रहेंगे तो कोई भी सिंगल कम्युनिटी यहाँ पर यूनिलैटरल डिसीजन नहीं ले सकता। क्या? उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जैसे कि हमारे यहाँ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश ये सब हैं, वहाँ पर भी स्टेट्स हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना कंट्रोल नहीं रहेगा। वो सबॉर्डिनेट नहीं होंगे, वो इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजन ले पाएंगे। ओके, यस सर। अच्छा, तो वहाँ पे एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी रखा गया। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम ये था कि जो लैंग्वेज कम्युनिटीज हैं, डच वाले, फ्रेंच वाले, या फिर जो 1% जर्मन स्पीकिंग पीपल वहाँ पर होते हैं, तो उनका जैसे लैंग्वेज प्रोटेक्टेड रहेगा, इसके बारे में इंश्योर करना। ओके, तो ये कुछ स्टेप्स लेके तो उन्होंने बड़े अच्छे से अपना जो डाइवर्सिटी था, अपना जो कॉन्फ्लिक्ट था, उसको हैंडल किया। ओके, श्रीलंका ने ये नहीं कर पाया, इंक्लूसिवनेस नहीं दिखाया, तो जाहिर सी बात है तो वहाँ पर सिविल वॉर हो गया। यहाँ पे उन्होंने सूझबूझ दिखाई एंड एक सिविल वॉर से खुद को वो रोक पाए। ओके, अच्छा, एक और कंट्री है लेबनान, वहाँ पे चलते हैं। लेबनान कौन से कॉन्टिनेंट में मिलेगा हमें? यूरोप। यूरोप में मानू यूरोप लेबनान देखा, ये हमें वेस्ट एशिया में मिलेगा, देख रहे हो? अरे दिखाई दे रहा है कि नहीं? यस सर। देख रहे हो, इजराइल के पास है लेबनान, इजराइल, सीरिया इनके पास। ओके, मेडिटेरेनियन सी को वो टच कर रहा है। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि हमें ठीक से दिखाई दे। अभी दिखा?
सर स्क्रीन सिर्फ फ्रीज हो गया है थोड़ा। चलो तो ये है लेबनन, लेबनन का कैपिटल दिख रहा है सर बेरत, बेरूत। अच्छा लेबनन के पास एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है इजराइल, हमने कई बार इसके बारे में डिस्कस किया है। अच्छा तो ये है लेबनन जिसका कैपिटल है बेरूत, क्या? यस सर। ओके सो व्हाट इज द इशू विथ लेबनन, लेबनन के साथ इशू क्या था? नाउ लेट मी से, यहाँ पे भी वेरियस कम्युनिटीज थे, तो कौन कौन से कम्युनिटीज? एक तो क्रिश्चियंस थे, मुस्लिम थे, और कौन थे? इस्लाम में भी दो ग्रुप्स होते हैं, मैं पता है कौन कौन, शिया एंड सुनी, है कि नहीं? Yes. क्या फर्क है? एक तो खलीफा को मानता है और दूसरा वाली को मानता है। ओके अच्छा वाली कौन है? प्रॉफेट मोहम्मद के सनी लॉ। तो दो बड़े फैक्शंस हैं, जैसे कि ईरान एक शिया डोमिनेटेड कंट्री है, जबकि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया सब सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री है। ओके तो शिया सुन्नी के बीच में उतना ही दुश्मनी है जितना इसराइल में क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स के बीच में है। ओके तो यहाँ पे तीन मेजर ग्रुप्स आए, कौन कौन? अच्छा क्रिश्चियन में भी दो ग्रुप्स हैं, तुम्हें पता है कैथोलिक एंड ऑर्थोडॉक्स। ओके ये जो ऑर्थोडॉक्स वाले ये ज्यादातर रशियन चर्चेस के उनको फॉलो करते हैं, एंड कैथोलिक वाले रोम में जो वैटिकन है उसको फॉलो करते हैं। तो क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक आए एंड ऑर्थोडॉक्स आए, मुस्लिम्स में शिया आए सुन्नी आए। ओके सबका लक्ष्य क्या है? कि हमें पावर मिल जाए। ओके तो जाहिर सी बात है क्या होगा, सिविल वॉर, एक अलग तरह का सिविल वॉर बेरूत के पास छिड़ गया, देश भर में मर्डर रेप किडनैपिंग सब चलता रहा। कई सालों तक ऐसे चलने के बाद ये जो सारे मेजर फैक्शन के लीडर, शिया के लीडर, सुन्नी के लीडर, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के लीडर, कैथोलिक के लीडर सब इकट्ठा है, सब इकट्ठा के क्या किया उन्होंने, ये सोचा कि बहुत हो गया अब इसको यहीं पे एंड करते हैं, कुछ ना कुछ हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन उन्होंने मिल बैठ कर क्या निकाला कि जो प्रेसिडेंट होगा, किसका प्रेसिडेंट? सर लेबनन का। जो लेबनन का प्रेसिडेंट होगा वो एक क्रिश्चियन होगा। ओके याद रखो, जो प्रेसिडेंट होगा लेबनन का वो एक मारोनाइट मारोनाइट सेक्ट से होगा। ये मारोनाइट सेक्ट कैथोलिक क्रिश्चियन से। ओके इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर होगा ये सुन्नी मुस्लिम से होगा। ओके डेप्टी प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन से होगा। उसके बाद जो स्पीकर होगा Yes, या मुस्लिम होगा। समझ में आ गया? Yes, पोस्ट गया कैथोलिक क्रिश्चियन के पास, एक पावरफुल पोस्ट गया सुन्नी मुस्लिम के पास, एक पावरफुल पोस्ट गया शिया के पास, एक पावरफुल पोस्ट गया ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन के पास। ओके तो ऐसे चारों ग्रुप, कैथोलिक क्रिश्चियन, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, सुन्नी मुस्लिम, शिया मुस्लिम, चारों ग्रुप को चारों इम्पोर्टेंट पोस्ट दिया गया। ओके यस तो टैग के हिसाब से जो क्रिश्चियंस थे उन्होंने फ्रेंच वालों को प्रोटेक्ट करेंगे, एंड जो मुस्लिम्स थे वो अपने
एरिया को सीरिया के साथ मिलाने के लिए अपना जो डिमांड है वो छोड़ दें, क्योंकि वो तो मुस्लिम्स थे। ओके, उनमें से कुछ ग्रुप्स बोल रहे थे कि इसमें से जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है उसको अलग करके लेबनान से जो नेबरिंग कंट्री है सीरिया उसके साथ मिला लें। ओके, तो ये सॉल्यूशन आने के बाद अभी कुछ हद तक वहाँ पर स्टेबिलिटी है, पूरा स्टेबिलिटी अभी तक नहीं आया, अभी भी बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि बीच बीच में बम फॉम छोड़ते रहते हैं। ओके, उनके कैपिटल में भी ब्लास्ट होता रहता है। ओके, तो ये मगर कुछ हद तक अफगानिस्तान जैसा तो नहीं है, अफगानिस्तान से थोड़ा सा बेहतर है। ओके, हालांकि वहाँ पर जो युवा अभी आ रहा है, जो यूथ एस्पिरेशन है, उसको ये सिस्टम समझ में नहीं आता। वो चाहता है कि अरे मैं तो पीएम या फिर प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ, तो मैं तो सिया हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, या फिर मैं ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हूँ इसका मतलब क्या हुआ, मैं कभी प्रेसिडेंट या पीएम नहीं बन सकता, ये कैसा न्याय है। ओके, तो ये सिस्टम को डू अवे विथ करना चाहिए, मतलब इस सिस्टम को बंद कर देना चाहिए। तो जैसे सब सब कुछ बन पाएंगे उसी हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहिए। ये कौन बोल रहा है, आजकल के युवा। मगर जिन्होंने ये ब्लॉड सेट देखा है, इस पुराने लड़ाइयाँ देखी है कि किस तरीके से मास किडनैपिंग मर्डर ब्लास्ट हो रहा था, तो वो सारे सीनियर सिटीजन इसके खबर नहीं है। बोले तुम बच्चे हो, तुमने कुछ नहीं पता। ओके, क्या तबाही है, हमने देखा है। ये सिस्टम अच्छा नहीं है, फिर भी उस तरीके का बुरा तो नहीं है जिस तरीके का बुरा सिचुएशन हमारे जमाने का था। समझ में आ गया। तो बेसिकली तीनों देशों में हमने देखा कि पावर शेयरिंग क्या होता है एंड ये जरूरी क्यों होता है। ओके, ये जो बेल्जियम वाले ये पहले से समझ गए, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज से थे तो उनका थोड़ा मैच्योरपन दिखाया कि बोला कि इसको सॉल्व अभी नहीं करेंगे तो बाद में बहुत दिक्कत आएगा, तो समय रहते ही उन्होंने सब कुछ शॉर्ट आउट कर लिया है कि नहीं। जबकि ये जो दो देश श्रीलंका एंड लेबनन, इन्होंने पिटाई खाने के बाद सीखा, आज तक भी ठीक से नहीं सीख पा रहे, अभी भी हालत उतना अच्छा नहीं है लेबनन में एंड श्रीलंका में भी। ओके, श्रीलंका का तो सिर्फ इतना अच्छा होता उतना भी खराब हो गया। नहीं नहीं, ये तो अभी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, मगर बीच में ये जो राजपक्षा है ना, तब अब जो भाग गया सारे भाई बंधु लेके, तो ये भी मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिटिक्स में बिलीव करते थे बहुत ही जोर शोर से, जो तमिल के प्रति इनका अत्याचार होता था। ओके, चल आगे चलते हैं। तो पावर शेयरिंग हमने देखा कि क्यों जरूरी है। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट तो इसीलिए ये है कि चेक्स एंड बैलेंसेस रहना चाहिए, जैसे कि लेबनान के केस में हमने देखा कि सब एक दूसरे के पावर को अभी बैलेंस करते हैं। ये डेप्टी एंड प्रेसिडेंट स्पीकर असेंबली में क्या क्या होगा वो डिसाइड कर लेता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव देख लेता है, प्राइम मिनिस्टर गलती करेगा तो ऊपर प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को निकालने के लिए पार्लियामेंट भी है, तो सब एक दूसरे को चेक कर रहे हैं। ओके, तो सिस्टम अच्छे से चल रहा है। उसी हिसाब से बेल्जियम में हमने देखा कि किस तरीके से दोनों जो मिनिस्टर के पोस्ट हैं दोनों कम्युनिटी के पास बराबर हैं, इसलिए कोई भी यूनिलेटरली खुद के फेवर में कोई डिसीजन नहीं ले सकता। तो डेमोक्रेसी यही तो है कि किसी के पास भी बहुत ज्यादा पावर नहीं होना चाहिए। ओके, अच्छा, तो ये चैप्टर का डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। समझ में आ गया। Yes, चलो, अच्छा ये दूसरा चैप्टर आएगा सर, दूसरा वाला जो चैप्टर है फेडरलिज्म। हाँ, नो सर। अच्छा ठीक है।